अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आज़मा इसरार बहुत खुश हूँ आपकी दुआ से, और आप भी बेहतर होंगे। अब आगे हम बात करते हैं, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, जिससे आप मेरे हर तमाम अपडेट से आगाह रहेंगे। जी मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। अच्छा एक बात बताइए, अपना कंपेयर अपने माइंड से करते हैं या दूसरों से? या मैं कहना चाहूँगी, अपना कंपेयर अपने माइंड से करें, ना कि दूसरों से। अगर आपको अपना माइंड काम आपका साथ देगा, तभी आप अपने आप को अपने लायक बना पाएंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इस तरह की, किस तरह हम और क्यों हम दूसरों से कंपेयर करते हैं अपने आप को। अपनी एनर्जी को बचानी है अगर, तो हमारी एनर्जी तभी बचती है जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और आपकी एनर्जी नेगेटिविटी में यूज़ हो रही है या कंपटीशन में यूज़ हो रही है, जो अगर हेल्दी हो। याद रखिए, कंपटीशन किसी भी पैरामीटर पर हो, जैसे मक्खी और धूप का कोई मुकाबला नहीं। जैसे एक चलाकी होती है और एक चलाक बनते हैं। जैसे कोई चलाकी कर रहा हो और आप पकड़ी जाए, उसको हम क्या कहेंगे? ये चलाकी कैसी जो पकड़ी जा रही है, हम उसे महाबेवकूफ़ कहेंगे, जो अपनी अक्ल को ठीक से यूज़ नहीं कर सकता है और चलाकी पकड़ी ना जाए, तो इसे कहते हैं स्मार्टनेस। क्या स्मार्टनेस है? आपने ये हर तरीके से समझ लेना है कि कंपटीशन कहाँ है और किससे है मेरे लिए। मैं यहाँ मानती हूँ कंपटीशन हमें अपने आप से रखना है। इसे फ़ायदा ये है सबसे बड़ा, कि कोई ईगो नहीं होगा, कोई डिप्रेशन नहीं होगा हमें, और कभी किसी की वजह से अपने आप को तकलीफ नहीं देंगे हम, है ना। अब आपने खुद को ये भी महसूस कराना है कि हम कहाँ हैं और कहाँ से शुरू किया था। मसलन एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, आज लगातार बना रही हूँ, और अगर मैं मुड़कर देखूँ तो कभी सोचा ना था ये कर पाऊँगी और आज कर रही हूँ। इसका यही मतलब हुआ कि इससे आगे भी रास्ता है, इससे आगे भी जाया जा सकता है। हमारा कंपटीशन खुद से है, ये यकीन ही हमारा सब कुछ है, और इसी यकीन से बहुत बहुत आगे जाया जा सकता है। और इसी बात को आपको जहन में यानी दिमाग में रखना है, और फिर आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हैं, अपनी लैंग्वेज को क्लियर करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को, इवन हर वो स्किल को इम्प्रूव करते हैं जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। और सबसे ज़रूरी कि आपका बिलीव लर्निंग में होगा ओनली, और आपका दिन आपको पिछले दिन से बेहतर बनाना है। दिस इज़ द रियल कॉम्पिटिशन विद योर सेल्फ, स्पेसिफिक योर सेल्फ। वो आप स्किल्स में होगा, वो आपके एजुकेशन में होगा, वो आप हैबिट्स में होगा, थिंकिंग में होगा, व्यूज़ में, कॉन्ट्रीब्यूशन में होगा ऑफकोर्स। एंड बिलीव मी, किसी की कमी आपकी हॉबी नहीं बन सकती। ये कैसे बन सकती है बताइए? ये सिर्फ शिद्दत इंटेंसिटी पर ही डिपेंड करता है, कंपटीशन क्वालिटी से होता है। जैसे हम परफेक्ट हो, जैसे कि दो कलर, मेरे हाथ में दो कलर हैं, ब्लैक एंड वाइट। इफ दे वुड बी ब्लैक, आई वांट टू बी एबल टू टेल द डिफरेंसेस, राइट। सो वो दोनों एक जैसे हो जाते हैं, फिर कैसे आप डिफरेंसेस महसूस कर सकते हैं? तो वाइट का पर्पस जब क्लियर होता है, जब ब्लैक का कंट्रास्ट हो, जब मींस वाइट की इम्पोर्टेंस जब ही होती है जब ब्लैक हो। यू नो, लाइफ में डिफरेंसेस हैं, सब में हैं। अगर किसी में कुछ ज़्यादा क्वालिटीज हैं तो किसी में कम है, दैट्स नॉट अ क्राइम, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन बींग, ह्यूमन, नॉट सलमान वर्जन, इट्स ऑफकोर्स बींग अ ह्यूमन, है ना। बट द एक्चुअल फेस इंसान को कमी, इंसान कोई डमी नहीं है, एक्चुअल फेस दिखाया गया, इंसान कोई डमी नहीं है, क्योंकि खुशी वही पर्सन इंजॉय करता है जिसने तकलीफें देखी हो, और कहीं ना किसी ने कभी कुछ ना कुछ दुख देखा होता है, खुदा ना करे, पर देखा होता है, तो वो बेचारा खुशी हैंडल भी नहीं कर पाता है अगर कंटिन्यूसली उसको वो चीज़ें मिलती रहे। किसी को भी तकलीफ ना हो, मगर मैं उम्मीद यही रखती हूँ कि वो अपने आप से सीखे, अपनी लर्निंग से सीखे, इम्प्रूव करे। और देखिए, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा है, दिल टूटने का मतलब ये नहीं कि रास्ते बंद हो जाते हैं,
رشتہ قائم رکھیے، وہی بہتر راستہ دکھانے والا ہے، ہے نا؟ اپنا خوب بہت سارا خیال رکھیں، پازیٹیو سوچیں، امیدیں لگائیں، نمازیں پڑھیں، بہترین سوچ کو کا دائرہ بڑھائیں، ہے نا؟ پھر بات کریں گے میں اور بہت ساری پیاری پیاری. اللہ حافظ.